नमस्कार साथियों, प्यारे बच्चों, मित्रों, अभिभावकों, आज रसायन विज्ञान बोर्ड एग्ज़ाम संपन्न हो गया। बच्चों के जो मैसेज आ रहे हैं, बहुत अच्छे मार्क्स आने की संभावना है। हमारे मिशन मेरिट 2023 से जुड़े बच्चे हैं, वो 52 और 54 नंबर से नीचे नहीं आ रहे हैं। 56 में से 56 नंबर लाने वाले बच्चे भी हैं। हमारा गैस कितना कारगर साबित हुआ, इसको लेकर अभी हम चर्चा करने वाले हैं। उससे पहले हम आपके समक्ष आज का जो प्रश्न पत्र हुआ, आज का बोर्ड एग्ज़ाम केमिस्ट्री 2023 का, उसको किस प्रकार सॉल्व करना था, किस प्रकार से आप अच्छे नंबर ला सकते थे, प्रश्नों के सही आंसर क्या होंगे, इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो आइए ये देख लेते हैं। पहला प्रश्न ये रहा हमारे सामने, डेनियल सेल में Zn+2 व Cu+2 आयनों की सांद्रता 1 mol·Dm³/m³ है, तो विद्युत विभव का मान होगा। प्यारे मित्रों, यहाँ मान दिया हुआ है स्टैंडर्ड मान, जो कि 1.10 वोल्ट होता है। ये हमारा आंसर था और ये आपको लिखना था, शायद आपने ऐसा लिख दिया होगा, ये मैं उम्मीद करता हूँ। ठीक है मित्रों, चलते हैं अगले पेज पर। ये रहा अगला प्रश्न हमारा, व्यंजक कुट्टी की अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण है। यह एक सूत्र दिया हुआ है प्रश्न पत्र में, और वो सूत्र क्या था, सूत्र ये था के बराबर 2.303 टी लॉग आर नोट बटे आर। यह किस कोटि की अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण है, तो आप सब बच्चों ने किया है ब, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का। तीसरा प्रश्न था, समय के किसी क्षण पर वेग व्यक्त करने के लिए, समय के किसी क्षण पर वेग व्यक्त करने के लिए खाली जगह ज्ञात किया जाता है तात्क्षणिक वेग, यह आपको आंसर लिखना था ब। अगला प्रश्न हमारा ये रहा, कोलाइडी एंटीमनी का उपयोग किस रोग के इलाज में किया जाता है। पृष्ठीय रसायन वाला अनुप्रयोग वाला प्रश्न, काला जार के उपचार में किया जाता है। कैलामाइन अयस्क है, जिंक कार्बोनेट को कैलामाइन कहते हैं, यह Zn का अयस्क होता है। अगला प्रश्न, द्विदंतुर लिगेंड है, या लिगेंड ये थायसाइनाइड है, ये अमोनिया है, क्लोरिडो है, और ये C2O2-4-, यानी ये ऑक्जेलेट है। ऑक्जेलेट इस रूप में लिखा जाता है COO-, ये दोनों ऑक्सीजन परमाणु जिन पर ऋणावेश है, वो एक एक लिगेंड का काम, एक एक दाता परमाणु का कार्य करते हैं, इसलिए हमारा सही आंसर है ऑक्सलेट ए। CF2Cl2 फ्रियोन पद्धति में नाम क्या है, तो प्यारे बच्चों नाम देने के लिए CHCl का इस्तेमाल करते हैं। कार्बन जितने हैं -1, हाइड्रोजन जितने हैं +1, और क्लोरीन का कोई जिक्र करते नहीं है, फ्लोरीन जितने हैं उतने ही लिखते हैं एज इट। तो फ्लोरीन 2 है, हाइड्रोजन है नहीं इसलिए 1, क्लोरीन 1 है इसलिए 1-1, 0। तो ये हुआ हमारा फ्रियोन 012, यानी फ्रियोन 12। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, क्यूमीन से फिनोल प्राप्त करने की अभिक्रिया में उप उत्पाद है। क्यूमीन से फिनोल प्राप्त करने की अभिक्रिया, हमने ये पढ़ा था क्यूमीन की क्रिया, या आइसोप्रोपिल बेंजीन का ऑक्सीकरण करते हैं वायु द्वारा, तो क्यूमीन हाइड्रोपरोक्साइड बनता है, जो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में अपघटित होकर के क्या बनाता है, एसीटोन और फिनोल बना देता है। तो हमारा आंसर है ये, नाइट्रोजनी शार्क डीएनए में नहीं पाया जाता है, उस नाइट्रोजनी शार्क का नाम बताना है जो डीएनए में नहीं है। तो श्योर है ये तीन तो डीएनए में है, चौथे वाला आरएनए में पाया जाता है। ये रहा अगला प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जब मिलाया गया पदार्थ अभिक्रिया की दर को कम करता है तो उत्प्रेरक के स्थान पर उसे कहते हैं, उसे उत्प्रेरक नहीं कहना है तो उसे क्या कहेंगे। अब यहाँ दो प्रकार के चांस बनते हैं, एक हम इसे कह सकते हैं ऋणात्मक उत्प्रेरक, ऋणात्मक उत्प्रेरक, दूसरा हम इसे कह सकते हैं संदमक, या हम इसे कह सकते हैं मंदक। ठीक है ना, यह प्रश्न निर्माता का जो भाव है उसको ये वाला आंसर चाहिए था, वो क्या देता है ये बोर्ड की मर्जी है। अणु की स्पीसीज का किसी ठोस या द्रव की स्थूल की अपेक्षा पृष्ठ पर संचित होना, ये तो सीधा साधा प्रश्न और सीधा साधा उत्तर है, एडसॉर्प्शन या अधिशोषण कहलाता है। ये रहा अगला प्रश्न, विलियमसन संश्लेषण में खाली जगह की क्रिया सोडियम एल्कोक्साइड के साथ अभिक्रिया से डाई एल्केल ईथर बनता है,
विलियमसन संश्लेषण में इन्होंने दिया है सोडियम एल्कोक्साइड, तो एन ए ओ आर की क्रिया करवानी है शुष्क ईथर की उपस्थिति में, किसके साथ करवाएं, इसके साथ करवाएं। तो आपको यहाँ लिखना था आर एक्स या एल्किल हैलाइड, क्या लिखना था आर एक्स या एल्किल हैलाइड से क्रिया करवाने पर डाई एल्किल ईथर का निर्माण होता है। ये क्रिया हमने चर्चा की थी और कहा भी था कि विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया आए बगैर रहेगी नहीं, ठीक है ना। तो हमारा ये प्रश्न सीधा आ गया। खाली जगह का जलीय विलयन फैलिंग विलयन ए कहलाता है। फैलिंग ए और बी दो होते हैं, फैलिंग बी है वो सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट का लवण होता है और फैलिंग ए है वो कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन होता है। किसका? कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन, ये आपको लिखना था। अगला प्रश्न, प्राकृतिक और कृत्रिम नाभिकीय क्षय की कोटि लिखिए। ये हमारा डिस्कस किया हुआ सवाल है कि आए बगे रहेगा नहीं, ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। कैसी है? केवल इतना लिखना था और नंबर पूरे। यूरिया का अमोनिया एवं कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटन प्रयुक्त एंजाइम का नाम, ये हमारा दिया हुआ प्रश्न था और यह एंजाइम का केवल नाम लिखना है और वो एक ही मात्रा एंजाइम है यूरिएस एंजाइम, इसका हमने कई बार डिस्कस कर लिया, ये प्रश्न हमारे थे। सुक्रोज को हावर्त संरचना द्वारा निरूपित कीजिए। सुक्रोज तो आपको ये वाली संरचना बनानी थी CH2OH OHH 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 और यहाँ H सुक्रोज और फ्रक्टोज आपस में इस तरह से जुड़ जाते सुक्रोज और ये आपस में इस तरह से जुड़ जाते तो संरचना बन जाती CH2OH इस तरह से। ये सुक्रोज की आवर्त संरचना थी या ग्लाइकोसाइडी बॉन्ड था, ये इन्होंने पूछा नहीं। अगला प्रश्न, वैद्युत अपवहन का नामांकित चित्र बनाइए। ये हमारा प्रश्न था, हमने जो डिस्कस किया था मॉडल पेपर में वो आ गया। और करना क्या था आपको? सिंपल डायग्राम बनाना था। इस प्रकार से एक बर्तन लेते, यहाँ से उसमें जल प्रवाहित करते, यहाँ से जल निकलता, यहाँ दो इलेक्ट्रोड लगाने थे धन इलेक्ट्रोड और ऋण इलेक्ट्रोड, और यहाँ बीच में अर्धपारगम्य में झिल्ली द्वारा कोलाइड विलयन भर करके लटका देते, जल प्रवाहित होता रहता है, ठीक है। ये वाला और ये वाला, ये विद्युत अपोहन, इधर से जल प्रवाहित होगा, इधर से जल का निकास। फैन पलवन विधि का नामांकित चित्र बनाइए, ये भी हमारा प्रश्न था मॉडल पेपर का। इस प्रकार से एक बड़ा पात्र लेना था, एक मथनी लगानी थी इस तरह से और वायु प्रवाहित करनी थी, और इस तरह से वायु इधर से प्रवाहित होती, ये मां से मथनी हो जाता, वायु निकल जाती, और यहाँ इस तरह से सल्फाइड अयस्क पानी चीड़ का तेल झाग कारक पलवन कारक और यहाँ ऊपर हमारे को यहाँ झाग बताने थे। इस प्रकार से ये नामांकित चित्र हो जाता। नामांकन में आपको मैंने यह बताया था क्या लिखना है, क्या लिखना है, इसका नाम क्या लिखना है, यहाँ नीचे रेत या अशुद्धियाँ जम जाती। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र लिखिए। ये तो बहुत सरल प्रश्न आ गया, इतना सरल पूछना नहीं चाहिए था। तो ये N2Cl, N2 पर धनावेश, Cl पर ऋणावेश, ऐसा लिखते या C6H5N2X- या Cl- लिखते तो भी सही था। ये दोनों फार्मूले सही हैं, लेकिन आप ये लिखें तो पेपर सेटर है वो खुश रहेगा। फिनॉल को सैलिसिलिक अम्ल से बनाने के रासायनिक समीकरण, ये हमने उस समय डिस्कस किया था, हमारे मॉडल पेपर का प्रश्न है कि राइमर टीमान अभिक्रिया, राइमर टीमान अभिक्रिया लिखनी थी आपको। और होना क्या था? होना ये था फिनॉल की क्रिया क्लोरोफॉर्म के साथ करवाते हैं तो सैलिसिलिक एल्डिहाइड बनता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ करवाते हैं एल्कोलिक KOH की प्रेजेंस में गर्म करने पर ये सैलिसिलिक अम्ल बन जाता है। ये क्रिया आपको लिखनी थी बस। आगे KCl और H2 हो जाता। आइसो ब्यूटिल एल्कोहल का IUPC नाम लिखिए, बहुत सिंपल था। आइसो ये समूह होगा आइसो और यहाँ CH2OH, ये आइसो ब्यूटिल एल्कोहल। अब इनका अंकन करने के लिए 1, 2, 3 तो हमारे पास क्या हुआ 2-methyl propane-1-ol, ये नाम 2-methyl propane-1-ol
इतना सा लिखना था पूरे नंबर। अगला प्रश्न, पलक केंद्रित घनी एक कोष्ठिका में कुल कणों की संख्या परिकलित कीजिए। तो पहले तो आपको एक सिंपल सा डायग्राम बनाना था, जैसा मैं बना रहा हूँ। इस तरह से ये एक घन बन गया और घन के कॉर्नर पर आपको अवयवी कण रखने थे। ये घन के कॉर्नर पर हमने 8 अवयवी कण रख दिए। अब घन के फलकों के केंद्र पर भी एक एक अवयवी कण रखना है। ये फलकों के केंद्र पर हो गए 6। अब हमें यहाँ ये लिखना था FCC में घन के कोनों पर स्थित अवयवी कण 8 इकाइयों के मध्य सहभाजित होता है, सहभाजित होता है। अतः एक का यानी एक कण का योगदान बराबर 1/8। अतः कोनों पर स्थित कुल कण बराबर हो जाएंगे 8 × 1/8 = 1। फलक के केंद्र पर स्थित कण, फलक के केंद्र पर स्थित कण 2 इकाइयों के मध्य, 2 इकाइयों का मतलब क्या, 2 एकक कोष्ठिकाओं के मध्य सहभाजित होता है, सहभाजित होता है। अतः फलक के केंद्र पर कण, 6 फलक है, 1 का योगदान 1/2 है तो 3 हो गई। अब यहां लिखते अतः FCC एकक कोष्ठिका, FCC एकक कोष्ठिका में कुल कण बराबर 8 × 1/8 ये कोने पर और प्लस 6 × 1/2 ये फलक पर। तो कुल कितने हो गए, कुल हो गया 1 + 3 = 4 कण। इतना सा करना था और ये डायरेक्ट कर दिया आपने तो भी सही है। आगे बढ़े, अगला प्रश्न है, पी प्रकार के अर्धचालक को एक उदाहरण देकर समझाइए। तो हमें लिखना था शुद्ध सिलिकन या जर्मेनियम में 13वें वर्ग के तत्व अशुद्धि के रूप में मिलाने पर पी प्रकार के अर्धचालक बनते हैं, पी प्रकार के अर्धचालक बनते हैं, ठीक है। फिर आपको डायग्राम भी बनाना था किस तरह से, इस तरह से सिलिकन 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 बना देते, सिलिकन सिलिकन और ये अवयवी कण बना देते इस तरह से। एक सिलिकन के स्थान पर आपको क्या करना था, एल्यूमिनियम लिख देना था। इन सब के पास में आपको इस तरह से 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 इस तरह से ये अपने संयोजी इलेक्ट्रॉन दर्शाने थे। तो सबके पास 4 4 हो जाते। एल्यूमिनियम के पास यहाँ एल्यूमिनियम पास 1 2 और ये 3 रहते, ये वाली जगह यहाँ रह जाती खाली। बस ये डायग्राम बनाना था, अपने आप समझ गए। संरचना में सिलिकन के स्थान पर आए एल्यूमिनियम के संयोजी कोश में केवल 3 ही इलेक्ट्रॉन है, अतः यहाँ विद्युत चालन होल्स के द्वारा माना जाता है। अतः ऐसे अपद्रवी अर्धचालक को, ऐसे अपद्रवी अर्धचालक को पी प्रकार के अर्धचालक कहते हैं। शायद आप संतुष्ट हो गए, आगे बढ़े। क्लोरोबेंजीन से डाइफेनिल बनाने की रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण लिखिए। ये हमारे मॉडल पेपर का सवाल है, फिटिग अभिक्रिया।
फिटिक अभिक्रिया में क्या था, हम लेते हैं क्लोरोबेंजीन, इसकी क्रिया सोडियम धातु के साथ करवाते हैं शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो इस तरह से डाइफेनिल या बाईफेनिल का निर्माण हो जाता है। ठीक है मित्रों, हमारे को ये वाला समीकरण मात्र लिखना था, क्योंकि इसने क्या पूछा, अभिक्रिया की समीकरण लिखी, सरल प्रश्न। अगला, एथिलीन ग्लाइकोल का 35% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम विलयनों के इंजन को ठंडा करने के काम आता है, इसमें जल का आयतन मिलीलीटर में ज्ञात कीजिए। ठीक है, 35% वॉल्यूम बटे वॉल्यूम का अर्थ है विलयन में विलयन में 35 ml एथिलीन ग्लाइकोल हो तो 65 ml जल होगा। उत्तर अपने आप आ गया मिलीलीटर में। अगला प्रश्न, प्राशन दाब की परिभाषा लिखिए, समुद्री जल के विलवणीकरण में प्रयुक्त विधि का नाम। तो यहाँ प्रतिलोम परासरण, क्या बोला मैं, प्रतिलोम परासरण नाम लिखना था, प्रतिलोम परासरण, या आप लिखते व्युत्क्रम परासरण। पेपर बहुत ज़्यादा सरल आ गया। परासरण दाब, परासरण की परिभाषा, तो विलय के कणों का अर्धपारगम्य झिल्ली में से निम्न सांद्रता वाले विलयन से उच्च सांद्रता वाले विलयन की ओर प्रवाहित होना परासरण कहलाता है। क्या बोला मैं, विलायक के कणों का अर्धपारगम्य झिल्ली में से उच्च सांद्रता वाले विलयन से निम्न सांद्रता वाले विलयन की ओर प्रवाहित होना, निम्न सांद्रता वाले विलयन की ओर प्रवाहित होना। अगला प्रश्न, के ज्यामितीय समावयवों की ज्यामिति बनाकर विन्यास लिखिए, ये भी हमारे मॉडल पेपर का प्रश्न है, एजिट आ गया। तो ज्यामिति समावेश सिस और ट्रांस होते हैं, सेंटर में लिखते पीटी और इसके इस तरह से समतलीय वर्गाकार ज्यामिति समावयव लिखते, H2O दो है तो H2O एक तरफ लिख दो, Br एक तरफ लिख दो, इस तरह से बंद कर दो ब्रैकेट में, ये हो गया हमारा समान दिशा में समान प्रतिस्थापी, इसलिए सिस समावयवी, सिस डाई एक्वा ड्राई ब्रोमिडो प्लेटिनम सेकंड, और यहाँ लिखते H2O, यहाँ लिखते H2O, ये ब्रोमीन, इसको भी कोष्टक में इस तरह से बंद करके लिख सकते हैं, और ये हो जाता हमारा ट्रांस डाई एक्वा ड्राई ब्रोमिडो प्लेटिनम सेकंड। निम्नांकित का IUPAC नाम लिखिए, बहुत सरल प्रश्न है, ये वाला है CuH2 का होल 4 और 2+ है, तो इसका नाम है टेट्रा एक्वा कॉपर, क्यूपरेट नहीं होगा क्योंकि संकुल पर धनायन है और आयन, इसका नाम होगा हेक्साएमीन कोबाल्ट, क्योंकि संकुल पर धनावेश है, नहीं तो कोबाल्टेट हो जाता, थर्ड ब्रोमाइड, इसका नाम हो जाएगा एक्सा साइनोफेरेट, क्यों, क्योंकि तीन है वो ऋणावेश है, थर्ड और आयन, ऐसा लिखा है तो पूरे में से पूरे नंबर हैं, यदि आपने सावधानी रखी है तो पक्का ही ये सवाल है प्री बोर्ड के मॉडल पेपर में से। अगला, आपमान ब्रोमेमाइड रिमनीकरण अभिक्रिया पर टिप्पणी लिखिए, टिप्पणी में क्या करना है, किसकी अभिक्रिया किसके साथ होती है, क्या बनता है, इस अभिक्रिया में कार्बन की संख्या में क्या होता है, फिर समीकरण। तो पहले आपको लिखना था क्या, जब किसी एमाइड को
ब्रोमीन के साथ केवे क्षार की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो प्राथमिक एमीन का निर्माण होता है। हमने यहाँ KOH लिया है तो KBr और K2CO3 और H2 लिख देंगे, ठीक है ना। ये सभी क्रिया में यहाँ दो कार्बन है और यहाँ प्राथमिक एमीन में एक कार्बन है, कार्बन की संख्या में कमी होती है इसलिए यह निम्नीकरण अभिक्रिया है। मैं बोला और लिखा ये सब मिलाकर हुआ टिप्पणी। ये हमारे मॉडल पेपर का सवाल है, अभी मैं गिनकर बताऊंगा कितने प्रश्न के नंबर के सवाल आए। कारण दीजिए कि ट्राईमेथिल एमीन मेथिल एमीन से कम क्षारीय है। हमें एनिलीन और अमोनिया की बात की थी, एल्किल एमीन के लिए आपको सुझाया था ये सवाल आ सकता है। तो ये बोर्ड के मॉडल पेपर का सवाल है हमारा, ट्राईमेथिल एमीन ये नाइट्रोजन एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, ये CH3 और ये CH3, ये हमारा हो गया ट्राईमेथिल एमीन, ठीक है। और ये हो गया हमारा अमोनिया, ये नाइट्रोजन लॉन पेयर, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। अब यहाँ पर त्रिविम बाधा आएगी, त्रिविमीय बाधा आएगी किसके लिए, प्रोटॉन के इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करने के लिए, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ देखना आप, ट्राईमेथिलेमीन मेथिलेमीन से ये CH3 कम क्षारीय होता है, ये अधिक क्षारीय है मेथिलेमीन और ये कम क्षारीय है क्योंकि तीन एल्किल समूह जुड़े होने से, तीन मेथिल समूह होने से प्रोटॉन एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करने के लिए आ नहीं सकता, या नाइट्रोजन का एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म प्रोटॉन के लिए आसानी से उपलब्ध नहीं होता, इसलिए ये दुर्बल क्षारीय है और ये प्रबल क्षारीय है। अगला प्रश्न, कृत्रिम मधुरक के कोई दो उदाहरण दीजिए। तो आपको खूब बताया था सुक्रोस सुक्रालोस, ये दो की तुमने चर्चा कर ली थी, एलिटेम और एस्पार्टेम। अब आपको इनमें से पूछे कितने हैं, केवल दो है तो दो ही लिखने थे, हमारा ये मॉडल का प्रश्न था। निम्नांकित के कोई दो उदाहरण दीजिए थे, ये मॉडल पेपर का सवाल है, प्रतिजैविक औषध, प्रतिजैविक प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक मेडिसिन के बारे में। तो हमने सबसे फेमस पेनिसिलिन GOKO कोई सी भी, फिर ऑफ्लॉक्सासिन एम्पीसिलिन एमोक्सिलिन, अब आप जो भी लिखें एक का उदाहरण लिखना था, कितना उदाहरण है एक। स्वापक पीड़ा हारी तो मॉर्फिन कोडीन आप कुछ भी लिखते, प्रति अम्ल ओसन औषध तो हमारी रेनिटिडीन सिमेटिडीन या आपके काम आने वाली ओमेपेराजोल लेंसोपेराजोल आप कुछ भी लिखते वो सही थी। अगला प्रश्न, स्वार्ट अभिक्रिया के उदाहरण द्वारा दीजिए, मॉडल पेपर का सीधा प्रश्न आ गया था, स्वार्ट अभिक्रिया द्वारा एल्किल फ्लोराइड बनाए जाते हैं, हम लिखते हैं एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड की क्रिया, धात्विक फ्लोराइड के साथ कराने पर एल्किल फ्लोराइड बनते हैं। अभिक्रिया का एक उदाहरण देकर समझाइए, ऐसा लिखना था, फिर लिखना था ये एल्किल क्लोराइड और इसके साथ अब आप किसको लिखें, जिसको भी लिखें, जैसे मैं यहाँ HG2F2 लिख देता हूँ, आप AgF लिख सकते हैं, आप COF3 लिख सकते हैं, आप SbF3 लिखते हैं, SbF5 लिख सकते हैं, क्रिया करवाते हैं, भले ही आप चाहें तो यहाँ SbCl5 उत्प्रेरक ले लें और क्रिया होकर के RF बन जाता है और Hg2Cl2 ऐसा बन जाता है, ठीक है। इस तरह का सवाल था ये। अगला प्रश्न, ईंधन सेल की संरचना का वर्णन कीजिए, हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल था, एनोड और कैथोड और होने वाली सिंपल अभिक्रिया और संरचना का नामांकन चित्र, ये आपको बनाना था सिंपल सा चित्र, इसमें ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन का एक का ऑक्सीकरण और एक का अपचयन होता है, लगातार बनता रहता है। आयन के लिए कॉपर प्लस आयन के लिए प्रचक्रण मात्रा चुंबकीय गुण का मान ज्ञात कीजिए, सिंपल डी ब्लॉक वाला सवाल है। कॉपर प्लस तो पहले कॉपर परमाणु क्रमांक 28 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखता था,
AR 3D10 4S1। सी यू 2+ इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन ये निकलेगा, एक यहाँ से निकलेगा। अब हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बचेगा 3D9 4S0। 3D9 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें हम बॉक्स बनाकर, तो हमारे पास आएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। यानी यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितना है प्यारे मित्रों? एक। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे N+2 बोर मैग्नेटॉन। अब आप यहाँ मान रखेंगे एक प्लस दो बोर मैग्नेटॉन BM। तो ये कितना हो गया? ये हो गया 1+2 3, 3 एकम 3 बोर मैग्नेटॉन। तो ये 1.93 या 73 इतना आ जाता बोर मैग्नेटॉन। कारण दीजिए, जिंक कैडमियम मरकरी और कॉपरनेशियम संक्रमण तत्व नहीं है, क्योंकि इनकी स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था और मूल अवस्था में डी कक्षक पूर्ण पूरित होते हैं। बस ये एक शब्द खूब था। मूल अवस्था में या स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था में डी कक्षक पूरा भरा होता है, उनको संक्रमण तत्व नहीं कहते हैं। मिश्र धातु पीतल के अवयवों का नाम लिखिए। तो पिताजी पीतल, तांबा और जिंक का बता होता है 80-20। आगे बढ़े। अल्प घनत्व पॉलीथीन, उच्च घनत्व पॉलीथीन, समबहुलक जिनमें एक लेके समान हो, एक लेके गया समान या भिन्न भिन्न कुछ भी हो सकती है। समबहुलक का मतलब एक लेके गया समान होनी चाहिए, और सहबहुलक का मतलब एक लग इकाइयाँ अलग अलग होनी चाहिए, ठीक है ना। समबहुलक का मतलब वे बहुलक जिनमें समान एक लग इकाइयों के बहुलकन से बहुलक का निर्माण होता है, और सहबहुलक में भिन्न भिन्न एक लग इकाइयों के सबहुलीकरण से बहुलक का निर्माण होता है। प्राकृतिक बहुलक रबड़ है, ऊन है, रेशम है। संश्लेषित बहुलक में नायलॉन 6 है, पॉलीथीन है, पॉलीवाइनिल क्लोराइड है, पॉली एक्रिलोनाइट्राइल है, टेफ्लॉन है वगैरह, कुछ भी लिख सकते थे। बहुत सरल प्रश्न। पायरोफास्फोरिक अम्ल और साइक्लोट्राइमेटाफास्फोरिक अम्ल के संरचना सूत्र लिखिए। ये पी ब्लॉक का सवाल है। हाँ, बच्चों के लिए ऐसा मान सकते हैं, थोड़ा सा कठिन हो सकता है, ऐसा बच्चों के लिए मान सकता हूँ। पहले हम लिखते हैं पायरोफास्फोरिक अम्ल। पायरोफास्फोरिक अम्ल का मतलब होता है H4P2O7। तो ऐसे P बनाइए और इस तरह से P को ऑक्सीजन के द्वारा जोड़ करके यूं बना लीजिए, OH। क्या बचा? अब जो बचा है वो लिख दीजिएगा। H 1, 2, 3, 4 हो गए, P 2 2 हो गए, O 7 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, ये पाइरोफास्फोरिक अम्ल, ठीक है। अब रही बात साइक्लो ट्राइमेटाफास्फोरिक अम्ल। तो ये HPO3 का होल थ्राइस, इसको लिखना है। तो ये PO, O, P, P, O, O, ठीक है। जहाँ फास्फोरस है वहाँ डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन जोड़ना, ये हमारी पहले की शर्त है, ये हो गया। अब एक एक OH जोड़ना है फास्फोरस से, तो ये हो गया साइक्लोमेटाफास्फोरिक अम्ल। साइक्लो ये HPO3, ये HPO3 और ये बच गया HPO3, ये साइक्लोट्राइमेटाफास्फोरिक अम्ल, ठीक है। अगला प्रश्न, विषम लंबाक्ष गंधक एवं एकांताक्ष गंधक में कोई दो अंतर लिखिए। यही ले लेते हैं विषम लंबाक्ष गंधक। कौन है विषम लंबाक्ष गंधक? तो पहला अंतर है ये कमरे के ताप पर स्थाई है, ये कमरे के ताप पर स्थाई नहीं है, कमरे के ताप पर अस्थाई है। इसके क्रिस्टल सुई जैसे, इसके क्रिस्टल अनियमित होते हैं, ठीक है। ये 369 केल्विन से
कम ताप पर स्थाई है, जबकि ये 369 केल्विन से अधिक ताप पर स्थाई है। फिर अगली बात ये है कि एकांताक्ष गंधक स्वतः ही विषम लंबाक्ष गंधक में बदल जाता है, ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ एकांताक्ष है वो अधिक क्रियाशील है यानी अस्थाई है, जबकि ये कम क्रियाशील और अधिक स्थाई है। अब आपको ये 2, 3, 4 अंतर है, इनमें से कोई 2 लिखने के लिए पूछा है, इसे सरल तो क्या होगा। अगला प्रश्न, पराक्सो डाई सल्फ्यूरिक अम्ल और पायरू सल्फ्यूरिक अम्ल के संरचना सूत्र लिखिए, है ना। ये खुला ऐलान है कि हमारे मॉडल पेपर में से नहीं आया, ये एकमात्र ऐसा प्रश्न है जो हमारे मॉडल पेपर में से आया नहीं है। और ये भी कह दूं, ये जो बोर्ड का ब्लूप्रिंट था उस पैटर्न के अनुसार भी नहीं आया है, ठीक है ना। इसलिए हमारा गैस गलत हो गया या ब्लूप्रिंट गलत हो गया, ठीक है। तो पहले बात करते हैं परऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक अम्ल। परऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक अम्ल H2S2O8 परऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक अम्ल, इसकी संरचना बनाएं। ये परऑक्सो डाई H2S2O7 3, 3, 6 और 1, 7 ठीक S8 ये हो गया। दूसरा इसने पूछा है पाइरोसल्फ्यूरिक अम्ल H2S2O7 तो ये S डबल बॉन्ड ये या OH और या OH। अब क्या बनेगा, ये इधर हो गए 3 और ये हो गए 4, तो H2S2O7 इसको मार्शल अम्ल भी कहते हैं। खैर ये इस प्रकार से पूछा था, ये एकमात्र सवाल था जो हमारे ब्लूप्रिंट में से आया नहीं, बाकी सारे जो प्रश्न थे हमारे ब्लूप्रिंट में से ही, जो मॉडल पेपर था उसमें से ही आए हैं। इसके अलावा एक प्रश्न जहाँ पीपीटी में बच गया था, अगला प्रश्न वो ये था 2CH3CHO तनु NaOH के साथ गर्म करने पर X बनाता है और इसको पुनः गर्म करने पर -H2 निकलता है और Y बनता है। तो ये भी सिंपल था, ऐसे लिखना था CH3C डबल बॉन्ड OH प्लस H, यानी ये एल्डोल संघनन था। क्या था, एल्डोल संघनन, तनु क्षार की प्रेजेंस में ये बन जाता आपके CH3CHOH और CH2CHO। अब इसको गर्म करते हैं और -H2 निकलता है, तो H यहाँ से निकलता है, OH यहाँ से, तो ये बन जाता है CH3CH डबल बॉन्ड CHCHO, ये बनता है एक्रेलडिहाइड, ठीक है। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों ये तो हो गया X और ये हो गया Y। अगला प्रश्न हमारा इसी तरह का था, गाटरमान कोच अभिक्रिया, ये हमारे का आपको याद है ना, गाटरमान कोच तो हमारी पसंदीदा अभिक्रिया थी, ठीक है ना। ये मॉडल पेपर का सवाल है, एल्डोल संघनन मॉडल पेपर का सवाल है, पता आपको, और गाटरमान कोच भी हमारे मॉडल पेपर का सवाल है। क्या होता है इसमें, इसमें हम बेंजीन की क्रिया कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl मिश्रण के साथ निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में उच्च दाब पर क्रिया कराते हैं तो बेंजाल्डिहाइड बनता है। क्या बनता है प्यारे बच्चों, बेंजाल्डिहाइड बन जाता है, इसे गाटरमान कोच अभिक्रिया कहते हैं। अगला प्रश्न हमारा इस प्रकार से था, इसके अथवा में था प्यारे बच्चों ये वाला प्रश्न, मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड यानी गिरन्यार अभिकर्मक कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया करता है शुष्क ईथर की उपस्थिति में
इस तरह से होता है प्यारे बच्चों, आपको ये इस तरह से लिखना होता है कार्बन डाइऑक्साइड को, और ये इस तरह से होता है। तो ये सी, ये ओ, इसके साथ एम जी बी आर, और ये डबल बॉन्ड ओ, और मेथिल का अटैक होता है यहाँ पर। अब इसका करते हैं जल अपघटन। तो प्यारे बच्चों सी एस थ्री, सी डबल बॉन्ड ओ था ही, यहाँ ओ एच हो जाता है और एम जी ओ एच और बी आर बनता है। अब इसने पूछा ए बी पूछा है तो हम ए बी लिख लेते हैं। हाँ ठीक है, ये हमारा एक्स है और ये हमारा वाई है। अगला प्रश्न, राइट शॉर्ट नोट ऑन रोजेन मुंड रिएक्शन। ये हमारे मॉडल पेपर का सवाल है और ये भी मॉडल पेपर का, कौन सा रोजेन मुंड अपचेन। आज तक जितने बोर्ड एग्जाम हुए हैं और जितने होंगे उनमें ये प्रश्न आए बगैर रहता नहीं। इसमें क्या करते हैं, एसिल क्लोराइड का हाइड्रोजनीकरण करते हैं पैलेडियम द्वारा बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में, जाइलिन में इसको गर्म करते हैं तो एल्डिहाइड बनता है। क्या बनता है, एल्डिहाइड बनता है और एससीएल निकल जाता है। ये नियंत्रित अपचयन है, इसे रोजेन मुंड अपचयन कहते हैं। इसके द्वारा एरोमेटिक और एलिफेटिक दोनों प्रकार के एल्डिहाइड बनाए जा सकते हैं। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न हमारा समाप्त हो गया। इस प्रकार यदि हम रिवाइज करें तो कौन कौन से सवाल है हमारे मॉडल पेपर में से आए हैं, मैं आपको एक एक करके वापस ले चलता हूं। मैं यूं कह दूं कि कौन सा नहीं आया है तो मेरे हिसाब से ज्यादा वो उचित रहेगा। कौन सा नहीं आया है तो मुझे ऐसा कोई प्रश्न नहीं लगता है सिवाय पी ब्लॉक एलिमेंट वाले पार्ट में से। बाकी सारे के सारे प्रश्न हमने अवश्य मॉडल पेपर में डिस्कस किए हैं, और एक सवाल ईंधन सेल वाला है ना, उसको हम डिस्कस नहीं कर सके थे। ये दो ऐसे सवाल हैं पूरे सवालों में से जो हमारे बगैर डिस्कस किए या बगैर आपको इशारा किए आए हैं। मैंने आपसे कहा था कि आपके नंबर यदि जो मॉडल पेपर डिस्कस कर लेगा, याद कर लेगा, 40 से ऊपर आएंगे, और उस बात पर हम एकदम खरे उतर गए। ठीक है, अब मैं आपको सभी साथियों को जिन्होंने आज केमिस्ट्री 2023 बोर्ड एग्जाम दिया है, मिशन मेरिट के एस्पायरेंट्स थे, अब आप बीएससी नर्सिंग के एस्पायरेंट हैं, अब आप पैरामेडिकल के एस्पायरेंट हैं, नाराज हो रहे हैं ना, तो अब आप नीट के एस्पायरेंट हैं, आप आईआईटी और जी के एस्पायरेंट हैं, आप सीयूईटी के एस्पायरेंट हैं, आप बहुत बड़े अफसर, बहुत बड़े इंसान, बहुत बड़े अधिकारी बनने वाले हैं। आपका अपना यूट्यूब चैनल उत्थान एजुकेशन इसी तरह से आपके साथ रहेगा, आपका दोस्त एमआर चौधरी इसी तरह आपको पढ़ाता सिखाता रहेगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो अवश्य पसंद आया होगा, आपकी शंकाएं सारी दूर हुई होगी। लेकिन अब ज़रूरी बात वो है, माना कि एक आध छोटी मोटी त्रुटि रह गई है, सिली मिस्टेक हो गया है, तो उस पर गंभीरता से ध्यान देने अथवा ज़्यादा चिंतित दुखी होने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपका जो अगला पेपर है मैथमेटिक्स का या बायोलॉजी का उसकी तैयारी कीजिएगा। जी हाँ, बायोलॉजी के लिए मैं आपको सलाह देता हूँ कि आज शाम से ही 5 कालांश में आपके बायोलॉजी के पूरे सिलेबस का रिवीजन अकॉर्डिंग टू बोर्ड ब्लूप्रिंट पेपर डॉक्टर टीआर चौधरी करवाएंगे उत्थान एजुकेशन के इसी प्लेटफॉर्म पर। आज से प्रतिदिन, आज 27 तारीख है, 27, 28, 29 और 30 पाँच दिन, तो आपको एक एक घंटा निकाल करके उन वीडियोज़ को, लेक्चर्स को अवश्य सुनना चाहिए, गंभीरता से उस पर विचार करना चाहिए। जब आप फ्री हो जाएं पढ़ पढ़ करके, उस समय आपको सुन लेना चाहिए यूट्यूब चैनल से, फ्री ऑफ कॉस्ट लाइव भी है और मिशन मेरिट के वीडियोज़ में भी है और यूट्यूब पर भी वो रहेगा। अवश्य बायोलॉजी में आपके आउट ऑफ 100 बनाए रखने के लिए आपको वो अवश्य सुनना चाहिए। इसी उम्मीद और आकांक्षा के साथ अपने साथी एमआर चौधरी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद। आपका सारा काम, सारी उम्मीद आकांक्षाएं अच्छे से प्राप्त हो, आपका स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। जय हिंद।